हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पिछले क्लास में जहां हमने ड्रॉप किया था उसके आगे, यानी कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन तक हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने बताया था देर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसी को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज के क्लास में हम इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिटेल करने जा रहे हैं। क्लियर है ना। तो देखोगे आगे तो सबसे पहले यहाँ हम कवर करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डिफिनेशन। क्लियर है। उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो यहाँ डिफिनेशन देखोगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलता क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट्स, देखना ध्यान से सुनना, ग्रीन प्लांट्स प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट समझते होगे आप, मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी आपने पढ़ रखा है डाइवर्सिटी में 9th क्लास में। क्लियर है ना। तो ग्रीन प्लांट्स प्रोटिस्ट और सर्टेन बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो अपना जो खाना होता है ना खुद से प्रिपेयर करते हैं, आर एबल टू प्रिपेयर और मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड। क्लियर है ना। वे अपना खाना खुद से बना सकते हैं, यानी बनाने के लायक होते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। क्लियर है। अब ये बनाएगा तो इसे भी कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो दीज रॉ मटेरियल्स आर सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, और इसे एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी। और ये एनर्जी कहाँ से आएगा, आउटसाइड। बेसिकली ये बात कर रहा है सनलाइट की। सनलाइट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। तो ये सोलर एनर्जी हमें बाहर से मिलेगा, हमें नहीं एक्चुअली प्लांट को, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बात कर रहे हैं हम। तो प्लांट को ये एनर्जी बाहर से मिलेगा, और इस एनर्जी के हेल्प से प्लस ये रॉ मटेरियल्स जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स हो गए हैं इनके हेल्प से, और ये जो प्लांट है या ये जो प्रोटिस्ट या फिर बैक्टीरियाज वगैरह हो गए हैं, तो ये सब क्या करेगा, अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करेगा, यानी अपना खाना बनाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लेकिन यहाँ पे बात थोड़ा सा ध्यान देना, बैक्टीरियाज के केस में ना थोड़ा सा अलग हो जाता है। बैक्टीरियाज में क्या होते हैं कि जब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अगर हम थोड़ा सा आगे ब्रॉड बढ़ाएं तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ना दो हो जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो मीन्स लाइट, जिसमें लाइट का यूज हो जिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। द सेकेंड वन इज़ कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो कीमो आप समझ रहे होगे वर्ड, केमिकल। तो जहाँ केमिकल का यूज़ हो, लाइट का यूज़ ना हो, केमिकल का यूज़ हो। तो बैक्टीरियाज वगैरह जो मोस्टली होते हैं ना वो कीमो ऑटोट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। क्लियर है ना। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दोगे कि जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, तो ऑटोट्रॉप बोलेंगे। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की जब बात कर रहे हैं हम, तो बेसिकली प्लांट आएगा हमारा, और प्लांट कैसे खाना बना रहा है, यानी अपना फूड कैसे प्रिपेयर कर रहा है उसे देखेंगे। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। क्लियर है ना। तो फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन कुछ खास है नहीं, हम ऑलरेडी जानते हैं पहले से ही। यहाँ फिर भी देखोगे थोड़ा सा, इट इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस। देखो यहाँ समझोगे, मैंने इसे लिखा है बायोकेमिकल। बायोकेमिकल को अगर हम ब्रेक करें तो समझ में आएगा कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री इसमें मिक्स्ड है। तो फोटोसिंथेसिस में भी तो वही हो रहा है। देखो केमिकल रिएक्शन तो चलेगा ही, जैसा देखो यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है, दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, इसका लाइफ से रिलेशन है। सो दैट इज़ बायोकेमिकल रिलेशन, यानी बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स यूजेस सनलाइट, सनलाइट यूज करेगा। क्लियर है ना। टू सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मीन्स टू मैन्युफैक्चर, बनाना। टू सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किसके हेल्प से, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये चार चीज़ आप याद रखोगे अभी आगे बहुत काम देगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लियर है ना, ये चार चीज़ें याद रखोगे। एंड जनरेट ऑक्सीजन, और इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, तो वो ऑक्सीजन जनरेट करेंगे एटमोसफेयर में एज ए बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट मतलब एक तरह से इनका बेस्ट प्रोडक्ट हो गया, जिनका ये यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है ना। या एक्चुअली देखा जाए तो कुछ ऑक्सीजन यूज़ भी करते हैं, लेकिन उसका जो स्ट्रेंथ होता है ना यूज़ करने का, वो बहुत ही कम होता है, और उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये प्रिपेयर होता है। तो इनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो, और इन्हें ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। और लेकिन वही ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं, और दैट इज़ रेस्पिरेशन करते हैं हम। क्लियर है ना। तो उसी कारण फिर हमारा लाइफ प्रोसेस फिर आगे जाके चलता है। अब देखोगे यहाँ पे इस रिएक्शन को समझोगे आप, ये देखो CO2। क्लियर है ना, ये H2O। तो CO2 और H2O इसमें यूज होगा। तो देखो मैंने पहले ही बोल दिया था,
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यूज होगा, सनलाइट और क्लोरोफिल भी। तो इस एरो के ऊपर देखो आप लिख सकते हो सनलाइट, है ना, और नीचे लिख सकते हो आप क्लोरोफिल। क्लियर है? तो सनलाइट और क्लोरोफिल यूज होगा। और फाइनली क्या बनेगा, C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। ये क्या है, तो ये एक बायोमोलिक्यूल है जिसको हम ग्लूकोज बोल रहे हैं। और ये देखो ऑक्सीजन एनवायरमेंट में रिलीज हो रहा है। ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एनवायरमेंट में रिलीज किया जा रहा है। फिर इसी ऑक्सीजन का यूज करेंगे हम लोग। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और बनाया क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब देखोगे कि ये कहाँ कहाँ से आ रहा है, एक एक चीज़ों का प्रेजेंस जो है यहाँ पे वो आ कहाँ से रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली इन्वायरमेंट से आ रहा है, वाटर समझ रहे होगे आप सॉइल से आ रहा है, सनलाइट क्लोरोफिल समझते ही हो आप प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल लीफ में, और सनलाइट तो सनलाइट होता है। वैसे इन सब चीज़ों को आगे हम देखेंगे, ये रिएक्शन आप समझ गए होगे। देखो यहाँ एक चीज़ और ध्यान दोगे, कहीं कहीं बुक में ना क्या होता है कि ये 6H2O के जगह पे 12H2O लिखा होता है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होगे। अगर 12H2O लिखा होगा ना, तो उसमें एक चीज़ आपको यूनिक देखने को क्या मिलेगा कि इस रिजल्ट में भी इधर भी 6H2O ऑलरेडी निकला हुआ रहेगा। क्लियर है ना? तो बस वो भी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये भी बैलेंस्ड इक्वेशन है, दोनों ही अदरवाइज सही है। क्लियर है ना? तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखोगे यहाँ कुछ नोट मैंने लिख रखा है, ध्यान से देखोगे इसे। सिंपल कार्बोहाइड्रेट और शुगर इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम विच अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर फॉर्म। देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, जबकि पीछे मैंने बोला क्या था कि ग्लूकोज बन रहा है। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट लगभग सेम ही है, बस थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी में अंतर है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो ग्लूकोज से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, या यूँ कहो कि जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं ना तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है ना? अब यहाँ पे एक चीज़ समझोगे कि जो प्लांट ग्लूकोज बना रहा है, क्लियर है ना, तो फिर प्लांट ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन भी करेगा। कहाँ यूज करेगा भाई, तो प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है, यानी कि प्लांट में भी रेस्पिरेशन होगा और उसमें उस कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का वो क्या करेगा, यूटिलाइजेशन करेगा। क्यों करेगा, तो वहाँ पे भी उसे एनर्जी बनाना पड़ेगा, तो एनर्जी बनाने के लिए वो उसका यूज करेगा, और फाइनली एनर्जी बनाएगा और उस एनर्जी को वो यूज करेगा अपने मतलब ग्रोथ में, और भी जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं लाइफ प्रोसेस, उन सब चीज़ों को चलाने में वो यूज़ करेगा। क्लियर है ना? अब देखोगे यहाँ पे आगे क्या समझना है हमें कि वो प्लांट इमीडिएटली जो ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाएगा, उस ग्लूकोज को ना वो स्टार्च में कन्वर्ट कर देगा। इसे आप याद रखोगे, क्या करेगा, उसे स्टार्च में कन्वर्ट करेगा और उसे स्टोर करके रख लेगा ताकि वो फ्यूचर में उसका यूज कर सके। क्लियर है ना? तो प्लांट बेसिकली ना अपने लिए ये स्टोर करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्लांट से प्लांट के जो भी सीड्स वगैरह होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, हम उसे क्या करते हैं, तोड़ के और खुद खा लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, प्लांट वो हमारे लिए नहीं बना रहा है, प्लांट वो अपने फ्यूचर के लिए एक तरह से सिक्योर कर रहा है कि बाई चांस आज सनलाइट है, सब कुछ है तो चल रहा है। अब क्या पता आज के बाद 10 दिनों तक सनलाइट ही ना आए, जैसे लॉकडाउन चल रहा है हमारा, तो उस प्रोसेस में क्या होगा, फिर वो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो फिर उसका तो कुछ कोई फिर प्रोसेस ही नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, फूड। फूड से ही तो एनर्जी आ देंगे ना। क्लियर है? तो उसी को वो स्टोर करके रख लेगा स्टार्च के फॉर्म में। तो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ग्लूकोज सब एक ही चीज़ है अगर देखा जाए तो, लेकिन वही क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंस है। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये बना लिया। आगे देखना, नेक्स्ट पॉइंट देखना, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट। बस यही मैं अभी बतला रहा था। आगे देखोगे, इट टेक्स प्लेस मोस्टली इन ग्रीन लीव्स। देखोगे ध्यान से इसे, ग्रीन लीव्स में मोस्टली होगा फोटोसिंथेसिस, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन यंग स्टीम। जो यंग स्टीम होते हैं ना, उनमें भी थोड़े बहुत फोटोसिंथेसिस हो जाते हैं। क्लियर है ना? ये देखो मैं समझा क्यों रहा हूँ, तो इसको समझोगे आप, कि आप कभी ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि जैसे ऑटम सीजन होता है, पतझड़ का जो मौसम होता है, उस समय सारे पत्ते लगभग झड़ जाते हैं। क्लियर है ना? बस गिने चुने ही बचते हैं। तो जब सारे पत्ते झड़ जाएंगे तो क्या वो प्लांट डेड हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो उसके यंग स्टीम है वो थोड़े बहुत फोटोसिंथेसिस कर लेगा, और यहाँ पे जो भी एनर्जी का जो प्रोडक्शन होना है, फूड का प्रोडक्शन होना है, वो अभी भी होगा। क्लियर है ना? अब देखते हैं हम कि फोटोसिंथेसिस में ना प्रोसेस क्या क्या होते हैं, यानी कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो बेसिकली हम ये देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला देखोगे इवेंट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाई
क्लोरोफिल, यहाँ देखो ये गलती से लिख गया होगा, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा, सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा। सोलर एनर्जी दैट मीन्स सनलाइट से जो एनर्जी आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, क्लियर है ना, उसे क्या करेगा, ट्रैप करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एज वेल एज इट्स यूटिलाइजेशन इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस पॉइंट को समझोगे इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, और साथ ही साथ इसी सोलर एनर्जी का यूज करेगा किसमें, इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ने में। तो जब वाटर टूटेगा ना, तो जैसे वाटर टूटेगा, मैंने आगे रिएक्शन भी लिख रखा है, दिखाऊंगा मैं उसे, तो वाटर टूटेगा तो बेसिकली वाटर बना ही किससे, किस चीज़ से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जब ये टूटेगा तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करेगा, उसका यूज़ भी होगा आगे जाके, तो वो सभी कुछ देखेंगे लेकिन अगले स्लाइड में देखेंगे हम। तो देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड अदर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू, यहाँ पे इनटू लिखना चाहिए मुझे, इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि इसी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और बेसिकली ग्लूकोज बनेगा, क्लियर है ना, उसे मैंने कार्बोहाइड्रेट लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक स्टार मार्क किया है, इसे समझोगे। नॉर्मली दीज इवेंट्स अकर वन आफ्टर अनदर, ये सभी इवेंट्स क्या होते हैं, एक के बाद दूसरा होता है नॉर्मली, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जरूरी नहीं है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, ये क्या है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सारा इवेंट एक ही साथ हो, मतलब कि एक के बाद दूसरा ही हो, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देखोगे कैसे, एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल से ना क्वेश्चन बनते हैं सीधे बोर्ड में, तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझोगे। डेजर्ट प्लांट जैसे आप एक कैक्टस को इमेजिन कर सकते हो, तो ये एक कैक्टस प्लांट आप इमेजिन करो, तो ये क्या करता है ना, कैक्टस प्लांट पहले CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है रात के समय ही, क्लियर है ना, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है रात के समय, और उसके बाद क्या करता है, उसे कन्वर्ट कर देता है मैलिक एसिड। तो देखो CO2 का जो कन्वर्जन है वो बाद में होने वाला है, क्लियर है ना, यानी सबसे पहले तो हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी था, क्लियर है। तो यहाँ पे समझोगे कि CO2 को यहाँ ऑलरेडी एब्जॉर्ब किया जा रहा है ड्यूरिंग नाइट टाइम। अच्छा ये कर क्यों रहा है, पहले ये जरा सा बात कर लेते हो। तो देखो डेजर्ट प्लांट के साथ ना प्रॉब्लम क्या है वो समझोगे, एक डेजर्ट प्लांट है, क्लियर है ना, अब इसके साथ प्रॉब्लम होने वाले क्या है। देखो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, तो चार चीज़ें चाहिए हमें, क्या क्या चाहिए समझ लोगे आप, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लियर है ना। अब देखो अगर मैं दिन की बात करूँ, डे टाइम की बात करूँ, तो सनलाइट तो है, क्लोरोफिल भी है, वाटर भी है, जो कुछ भी है थोड़ा सा भी प्रेजेंट हो वो वाटर प्रेजेंट है। प्रॉब्लम ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को उसे इंटेक करने के लिए स्टोमेटा ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। तो जैसे ये प्लांट अपना स्टोमेटा ओपन करेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो आ जाएगा लेकिन साथ ही साथ वाटर रिलीज कर जाएगा, क्योंकि आपने ट्रांसपिरेशन भी पढ़ा होगा, और ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और आपको पता होगा कि डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से वाटर का लॉस हो जाएगा। अब देखो एक रिक्वायरमेंट तो पूरा हो गया लेकिन दूसरा रिक्वायरमेंट अब ख़त्म हो गया, तो क्या अभी ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक तो प्रेजेंट तीन ही रिक्वायरमेंट है ना, एक आया तो दूसरा तो चला गया ना। तो इसी से बचने के लिए प्लांट क्या करता है कि रात को ही कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक कर लेता है। अब रात को स्टोमेटा खोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रात का टेम्परेचर नहीं होता है ज़्यादा, क्लियर है ना। तो रात का टेम्परेचर जब नहीं होता है तो वहाँ तो ट्रांसपिरेशन होगा नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर, मतलब रिसीव करेगा और उसे एक मैलिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लेता है। मैलिक एसिड आपको पता होगा, ये आपके एप्पल में भी पाया जाता है, क्लियर है ना। अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड का जिसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, इसको वापस से दिन में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेगा, और बिना स्टोमेटा ओपन किए हुए क्या कर लेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेगा। ये बातें क्लियर हुई। तो देखो अब अगर दिन की बात करें हम, तो अब चारों रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास, दिन नहीं चारों हैं। चारों कैसे हैं, तो देख लो, सनलाइट तो ऑलरेडी है, क्लोरोफिल ऑलरेडी है, कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही है। इस बार कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करने के लिए स्टोमेटा को खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी रात में ही उन्होंने एब्जॉर्ब करके रख लिया था इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड, बस उसे तोड़ना है और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेना है, वो बॉडी के अंदर ही हो जाएगा।
और स्टोमेटा खुला नहीं, तो उसके बावजूद भी कार्बन डाइऑक्साइड आ गया और वाटर तो प्रेजेंट है ही प्लांट में, तो अब क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस आराम से कर लेगा। तो देखो क्वेश्चन आता है कैसे कि डेजर्ट प्लांट में क्या थोड़े से पेकुलैरिटीज होते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, तो इसे लिखने को आएगा, या क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी हो आंसर आपका यही होगा अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा तो, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखोगे दे रखा है बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, ये चार रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर। अब इन्हीं चारों रिक्वायरमेंट्स को ना हम एक एक करके देखेंगे और ये देखेंगे कि ये सारे रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल होते हैं, और जब ये सारे रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल कर लेंगे तो फाइनली हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस को देखेंगे, यानी डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे, क्लियर है ना। देखोगे तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट हमारा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में क्या है, तो क्लोरोफिल आपको बचपन से ही पढ़ते आ रहे होगे कि क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल की ही वजह से लीफ का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है ना। तो बस बेसिकली यहाँ भी हमें वही सब चीज़ें पढ़नी है। दीज आर स्पेशल पिगमेंट्स मॉलिक्यूल विच ट्रैप्स द लाइट एनर्जी। यहाँ उसका फंक्शन देख रहे हैं क्या, कि वो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, ट्रैप मीन्स पकड़ना, क्लियर है ना, एब्जॉर्ब करना, विच आर कमिंग फ्रॉम द सन। लाइट एनर्जी ऑब्वियसली सन से ही आएगा। दीज आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट आपको पता होगा, प्लास्टिड आपने पढ़ा होगा, तो प्लास्टिड के टाइप्स पढ़े होंगे, ठीक है ना, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, 9th में आपने पढ़ा होगा। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना उसी में प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट बेसिकली कहाँ होते हैं, तो लीफ्स में होते हैं प्रेजेंट, क्लियर है, लीफ का कलर ही इसी की वजह से ग्रीन होता है। अब देखोगे लेकिन यहाँ पे समझोगे कि लीफ का जो कलर होता है ना, तो जैसे देखो कुछ कुछ तो लीफ बहुत सारे होते हैं जो मोस्टली कि बेसिकली ग्रीन ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लीफ होते हैं जिसमें ग्रीनिश के साथ साथ और भी कलर आते हैं, या नॉर्मल भी ग्रीन कलर का है ना लीफ, उसमें भी देखोगे आप थोड़ा बहुत तो वेरिएशन होता ही है कलर का। तो देखो इस पॉइंट को समझोगे, मैंने उसी उसी के आधार पे लिखा है इसे, द कलर ऑफ लीव्स आर नॉट ड्यू टू ए सिंगल पिगमेंट, यानी ये एक सिंगल पिगमेंट की वजह से इसका कलर नहीं है, बट ड्यू टू फोर डिफरेंट पिगमेंट, चार अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं। द फर्स्ट इज क्लोरोफिल ए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल दिमाग में रख लोगे, क्लोरोफिल ए। सेकेंड इज क्लोरोफिल बी, देन जैंथोफिल एंड कैरेटिनॉइड्स, क्लियर है ना। तो देखो समझोगे यहाँ पे, क्लोरोफिल ए बी जैंथोफिल कैरेटिनॉइड्स ये सारे पिगमेंट्स हैं अलग अलग टाइप के, क्लोरोफिल के ही टाइप समझ लो आप, क्लियर है ना। सबका कलर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, और फाइनली ये एक लीफ को एक जो भी एक कलर देना है वो देगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ जो क्लोरोफिल ए है ना, दिस इज द चीफ पिगमेंट, क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट या मेन पिगमेंट, क्लियर है ना। देखो लाइन देखो, अगला लाइन देखोगे आप, द क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जो मेन पिगमेंट है, अगर कोई अपना रोल कर रहा है प्ले, तो वो कौन है, तो क्लोरोफिल ए है, क्लियर है ना, विच हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अभी पिछले सेगमेंट में हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल का काम ही है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना, क्लियर है ना। तो इसी को देखेंगे हम, तो ये बेसिकली क्लोरोफिल ए का फंक्शन हो गया, क्लियर है ना। अब बाकी के जो क्लोरोफिल हो गए हैं, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरेटिनॉइड्स, है ना, ये सब क्या करेंगे, तो ये सब क्या करता है ना, दूसरे दूसरे वेवलेंथ्स ऑफ लाइट जो होते हैं ना उसको एब्जॉर्ब करता है, क्लियर है ना। देखो ध्यान से, एंड द अदर पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट, लाइट मीन्स लाइट एनर्जी, और उसे ट्रांसफर कर देगा क्लोरोफिल ए को। अब देखो यहाँ से फायदा क्या हुआ, समझोगे यहाँ पे फायदा क्या हुआ, तो क्लोरोफिल ए जो पहले लेस अमाउंट ऑफ लाइट को ट्रैप कर रहा था, अब उसके साथ दो तीन दोस्त और आ गए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरेटिनॉइड्स और भी आ गए, तो ये सभी ने थोड़ा थोड़ा और भी दूसरे वेवलेंथ ऑफ लाइट को ट्रैप किया और उसे ट्रैप करके क्लोरोफिल ए को दे दिया। तो क्लोरोफिल ए के पास जो लाइट का जो कंसंट्रेशन है वो कम से ज़्यादा हो गया है, क्लियर है ना। अब जब ज़्यादा हो गया है इसका कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है ना वो भी बढ़ जाएगा, क्लियर है। अब देखो इसके बाद NCERT में एक एक्टिविटी दे रखा है, वो एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी टू शो क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी क्लोरोफिल इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, क्लियर है ना। तो देखोगे इसे आप, तो देखोगे यहाँ पे हम एक एक्टिविटी देखने जा रहे हैं जिसमें हमें ये प्रूफ करेंगे कि क्लोरोफिल मतलब जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लियर है ना। अब देखो इसके लिए हमें करना क्या है, ये एक्टिविटी तो सबसे पहले NCERT के बुक में दे रखा है,
आप क्या करोगे ना, उसे एक बार जरूर आप रीडिंग डालोगे, क्लियर है। बाकी उसमें क्या दे रखा है वो मैं यहाँ पे बेसिकली बता देता हूँ, बट फिर भी आप एक बार उसे पढ़ लोगे एनसीईआरटी बुक से, और एनसीईआरटी जरूर आप पढ़ोगे, क्लियर है ना। तो देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि क्लोरोफिल जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। हम क्या करेंगे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे, यानी इस तरीके से एक जो गमले में लगा हुआ प्लांट है, क्लियर है ना, इस तरीके से ये गमले में एक प्लांट लगा हुआ है, अरेंजमेंट में। तो ये प्लांट हम यहाँ पे चूज करेंगे। अब इस प्लांट में देखो बहुत सारे लीव्स भी होंगे, क्लियर है। तो बेसिकली ये एक नॉर्मल प्लांट है। अब इस प्लांट को हमें क्या करना है ना, डार्क रूम में रख देना है। कहाँ प्लेस करना है, तो प्लेस इन डार्क रूम, अरेंजमेंट में। अब डार्क रूम में प्लेस करेंगे तो कितने समय के लिए भाई, तो 2 से 3 दिन के लिए इसको छोड़ देंगे हम डार्क रूम में, क्लियर है ना। क्वेश्चन ये है कि डार्क रूम में हम छोड़ क्यों रहे हैं, तो आप ये इसका आंसर सुन लोगे यहीं पे। हम डार्क रूम में इसलिए इसे छोड़ रहे हैं ना, ताकि इसमें इसने जो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जो भी स्टोर्ड होगा ना यहाँ पे इसके बॉडी में, वो सारे यूज हो जाए, यानी कि यूज होके ख़त्म हो जाए, और वहाँ पे कोई भी कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च अब बचे ना, क्लियर है। तो ये डी स्टार्च हो जाए बेसिकली, इसलिए हम यहाँ पे इसको डार्क रूम में छोड़ रहे हैं 2 से 3 दिन के लिए। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसे ज़्यादा भी दिन के लिए नहीं छोड़ना है, कि 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं अच्छे से ही डी स्टार्च हो जाएगा, तो फिर उस चक्कर में ना ये पूरा ही डी स्टार्च हो जाएगा, ये प्लांट ही मर जाएगा। तो एक्टिविटी किससे फिर परफॉर्म करोगे, क्लियर है ना। तो इसलिए 2 से 3 दिन, कितने दिन, तो 2 से 3 दिन। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इस प्लांट को लेके आना है बाहर हमें उस रूम से, और इस प्लांट को हमें रख देना है कहाँ पे, तो इस प्लांट को हमें रख देना है अब सनलाइट में, अरे समझ में। तो सनलाइट में रख देंगे हम। अब सनलाइट में रखने के लिए हम बेसिकली इससे पहले क्या करेंगे, सनलाइट में रखने के पहले एक्चुअली हमें क्या करना है ना, इसके कुछ लीव्स होंगे, उसके लीव्स को क्या कर लेंगे हम, आउटलाइन कर लेंगे। आउटलाइन कैसे करेंगे, या इस लीफ को हम आउटलाइन बाद में भी कर सकते हैं, चलो बाद में ही करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, इसे सनलाइट में 5 से 6 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। अब सनलाइट में जब छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा ऑब्वियसली। अब जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा तो फोटोसिंथेसिस में बनता है क्या, स्टार्च, आपको पता है बेसिकली स्टार्च बनता है, क्लियर है ना। तो अब देखो हमें इसके बाद ना बस चेक कर लेना है स्टार्च के प्रेजेंस को, लेकिन हमें साथ में ये भी प्रूफ करना है कि क्या प्रूफ करना है, कि क्लोरोफिल जरूरी होता है। तो इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मिस कर दिया था, उसे आप यहाँ पे ऐड कर लोगे, कि ये जो प्लांट हम चूज करेंगे ना, ये प्लांट ऐसा ऐसा प्लांट चूज करेंगे जिसके जो लीव्स होते हैं ना वो वेरीगेटेड होते हैं, वेरीगेटेड, समझ में। तो जिसके लीव्स क्या होते हैं, वेरीगेटेड होते हैं। वेरीगेटेड का मतलब होता है कि जिसके लीफ में आपने देखा होगा कि कहीं पे ग्रीन कलर है, कहीं पे येलो कलर है, इस टाइप का। जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, ऑब्वियसली मनी प्लांट, क्रोटन प्लांट्स, ये सब जो होते हैं ना, उसके लीफ कैसे होते हैं, तो वेरीगेटेड होते हैं। तो हम ये प्लांट जो सेलेक्ट किया था हमने, वो वेरीगेटेड प्लांट, वेरीगेटेड लीव्स वाले प्लांट सेलेक्ट करेंगे। अब देखो क्या करना है, हमने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करवा दिया। अब फोटोसिंथेसिस के बाद क्या करना है, हमें बस एक लीफ इससे तोड़ लेना है। हम क्या करेंगे ना, कि एक लीफ इस वाले प्लांट से इस तरीके से हम प्लक कर लेंगे, अरे समझ में। अब इस लीफ को देखो करना क्या है हमें, इस लीफ में मान लो इसके कुछ रीजन क्या होंगे, कुछ रीजन में मान लो कि जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक के रीजन्स में मान लो कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लियर है ना। यहाँ से ऐसे ये सब रीजन में क्लोरोफिल प्रेजेंट है जिसे मैं डार्क कर रहा हूँ, तो और बाकी रीजन में ना क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, नहीं उसका कलर ना ग्रीन नहीं कुछ और है। तो हम क्या करेंगे ना, एक थिन पेपर रखेंगे इस लीफ के ऊपर, और उस थिन पेपर में ये इस टाइप का डायग्राम बना लेंगे। तो हमारे पास एक पिक्चर होगा जो पिक्चर कुछ इसी पिक्चर को डिपिक्ट करेगा, क्लियर है ना। ऑल्दो ये लीफ है लेकिन इसी पिक्चर को वो वहाँ पे दिखाएगा। अब क्या करना है ना हमें, अब इस लीफ को क्या करेंगे हम, सबसे पहले बॉइलिंग वाटर में डालेंगे। कहाँ डालेंगे, तो सबसे पहला स्टेप इसे बॉइलिंग वाटर में हम डालेंगे, क्लियर है ना। तो बॉइलिंग वाटर में जब इसे डालेंगे हम, तो क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस लीफ को हम एल्कोहल में डालेंगे और उसे गर्म करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एल्कोहल को हम डायरेक्ट फ्लेम पे गर्म नहीं करते हैं, क्योंकि एल्कोहल इज़ हाईली फ्लेमेबल, तो यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, इसलिए हम उसे डायरेक्ट
डायरेक्ट मतलब क्या बोल रहे हैं, फायर पे उसे हम बॉईल नहीं करेंगे। तो करेंगे कैसे? तो देखो उसका तरीका कुछ इस तरीके से होता है। ये देखो इसमें मैंने वाटर ले रखा है, क्लियर है ना। अब ये वाटर बॉइल्ड वाटर है, इसी में मैंने लीफ को डाला था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें क्या करेंगे ना, एक और दूसरा बीकर लेंगे हम, या टेस्ट ट्यूब लेंगे, और इसमें हम डिप कर देंगे लीफ को, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान देंगे हम कि ये वाटर अब 100 डिग्री पे बॉईल करता हुआ नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, 60-70 के आसपास होना चाहिए, क्लियर है ना। तो अब उसके बाद क्या होगा, ये अल्कोहल यहाँ पे थोड़ा सा हीट होगा, और अल्कोहल को हीट होने से क्या होगा, अभी यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन कि ये हमने क्यों किया। तो अल्कोहल को हीट होने से क्या होगा ना, इसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ध्यान से सुनोगे, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा, क्लियर है ना। तो अल्कोहल उसको ब्रेक कर देगा, तो अब जो लीफ दिखेगा ना, वो बिल्कुल ही एकदम से वाइटिश दिखेगा, यानी जो पहले ग्रीन था ना, उसका कलर डिसकलर हो जाएगा, फेड हो जाएगा उसका कलर, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस लीफ, जो लीफ हमारे पास था, अब इसका कलर डिसकलर हो गया है, क्लियर है। अब इस लीफ को क्या करेंगे ना, हम आयोडीन सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, क्लियर है, और थोड़े समय के लिए छोड़ देंगे और उससे निकालेंगे। तो अब हम क्या देखेंगे कि इसके कुछ कुछ पोर्शन ना ब्लू ब्लैक हो गए हैं, क्योंकि स्टार्च का रिएक्शन जब आयोडीन सॉल्यूशन के साथ होता है तो ब्लू ब्लैक कलर देता है, और ये आपको पता होगा। तो इसके कुछ कुछ पोर्शन क्या हो गए हैं, ब्लू ब्लैक हो गए हैं। अब फिर से हम क्या करेंगे, ये एक दूसरा थीन पेपर लेंगे और यहाँ पे एक दूसरा ड्राइंग बनाएंगे, जहाँ जहाँ भी ब्लू ब्लैक है उसको इस तरीके से हम शेड करके बना लेंगे, जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है। अब क्या है, हमारे पास दो पिक्चर है, पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2। पिक्चर नंबर 1 कब का है, जब उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था, और पिक्चर नंबर 2 कब का है, जब क्लोरोफिल तो नहीं लेकिन ब्लू ब्लैक कलर आ गया है, यानी स्टार्च के प्रेजेंस को दिखा रहा है। अब हम जब दोनों पिक्चर को कंपेयर करेंगे ना, तो ये दोनों पिक्चर ऑलमोस्ट सेम होगा, ऑलमोस्ट क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, क्लियर है ना। तो समझोगे यहाँ पे हुआ ये क्या, तो हुआ ये कि जहाँ जहाँ भी क्लोरोफिल प्रेजेंट था वहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस हुआ, लेकिन जहाँ प्रेजेंट नहीं था वहाँ पे नहीं हुआ, या फिर कम हुआ, क्लियर है। तो इसलिए वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर अगर आएगा भी ना, तो बहुत ही हल्का आएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बाकी आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे, क्लियर है ना। तो हमने ये देख लिया कि क्लोरोफिल एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और उसके बारे में हमने एक्टिविटी भी देख लिया, क्लियर है। अब देखो, और क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ होता है, ये सब सब कुछ मैंने बता दिया। अब हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस का, और वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। तो बस इसमें भी हमें एक एक्टिविटी लास्ट में प्रूफ करना है, ठीक है। उससे पहले चलो कुछ देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला पॉइंट देखोगे, द लैंड प्लांट ऑब्टेन CO2 फ्रॉम एटमोसफेयर, वेल द एक्वेटिक प्लांट ऑब्टेन इट फ्रॉम वाटर दैट हैज बीन डिजॉल्व्ड इनटू इट। देखो ध्यान से समझोगे इसे, कि लैंड प्लांट यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर से रिसीव कर ही लेगा। अब एटमोसफेयर से भी रिसीव करने के लिए इसके पास स्टोमेटा चाहिए, तो ये तो एटमोसफेयर से रिसीव कर लेगा विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, लेंटिकल्स, और भी चीजें होती है वहां पे, क्लियर है ना। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट है, तो एक्वेटिक प्लांट तो वाटर के अंदर रह रहे हैं। हाँ, हम उस एक्वेटिक प्लांट की बात कर रहे हैं जो सबमर्ज्ड है, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट में भी होते हैं ना जो कुछ कुछ फ्लोटिंग भी होते हैं, तो हम सबमर्ज्ड वाले की बात कर रहे हैं। तो देखो ये उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड उस वाटर में डिफ्यूज होके आ गया हो, क्योंकि आपको पता, आपने डिफ्यूजन पढ़ा होगा, डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल। तो गैस और गैस का, सॉरी, लिक्विड और गैस का भी तो डिफ्यूजन होता है ना। आपने कोल्ड ड्रिंक्स देखे होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो मिला होता है। सो दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो यहाँ पे भी कुछ डिफ्यूजन होता है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेगा, ठीक है। आगे देखना, द प्लांट एब्जॉर्ब CO2 थ्रू द स्टोमेटा। ये कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, तो स्टोमेटा से। स्टोमेटा आपको पता होगा, पहले भी पढ़े होगे आप। तो स्टोमेटा क्या है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि सरफेस ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। वैसे मैं स्टोमेटा को बाद में भी एक्सप्लेन कर दूंगा जब ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखो आप, नेक्स्ट पॉइंट, अदर फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज ट्रांसपिरेशन। देखो यहीं पे समझ लोगे आप थोड़ा सा, बाकी बाद में डिटेल करेंगे इसको। तो स्टोमेटा का और भी फंक्शन क्या है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, लीव्स से जो वाटर का लॉस होता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, यानी कुछ कुछ गैसियस एक्सचेंज की अगर हम बात करें, तो वो स्टीम और रूट के थ्रू भी होते हैं,
क्लियर है ना, जहाँ लेंटिकल्स वगैरह पाए जाते हैं। आगे देखो, यहाँ एक नोट मैंने लिख रखा है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर मीन्स स्टोमेटल अपर्चर। आपने फिगर देखा होगा स्टोमेटा का, कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरीके का होता है, बीच वाला जो रीजन होता है ना, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटल अपर्चर। क्लियर है, ये फिगर थोड़ा सा और इधर जाना चाहिए, ठीक है ना, अब देखो सही लग रहा है, क्लियर है। तो यही स्टोमेटल अपर्चर है, तो ये स्टोमेटल अपर्चर ओपन होगा या क्लोज होगा तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो गार्ड सेल। अब ये जो दो सेल दिख रहा है ना आपको, यही दो सेल है गार्ड सेल, ठीक है। और एस्टोमेटा का अगर पूरा पिक्चर देखे तो फिर इसमें और भी सेल्स होते हैं, जैसे सब्सिडरी सेल्स हो गए, ये सब जो साइड में मैंने सेल्स बनाया ये सभी सब्सिडरी सेल्स होते हैं, एंड दिस इज ओवरऑल एस्टोमेटा। अब इसमें दो गार्ड सेल दिख रहे होंगे आपके, तो ये गार्ड सेल इसके ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा समझोगे, द गार्ड सेल्स स्वेल्स व्हेन वाटर इंटर इनटू दिस इनटू देम। आपने इंडो ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस यानी वाटर का मूवमेंट। अब वाटर का मूवमेंट अगर सेल के अंदर हो रहा है, ध्यान से सुनोगे, अगर सेल के अंदर हो रहा है दैट इज इंडो ऑस्मोसिस हो रहा है, तो इंडो ऑस्मोसिस का रिजल्ट क्या होता है कि सेल स्वेल कर जाता है, छोटा सा सेल ना बड़ा हो जाता है, क्लियर है। तो जब ये सेल स्वेल करेगा तो इसका जो एक्चुअल जो शेप होता है ना गार्ड सेल का, वो होता है किडनी शेप या बीन शेप। तो ये किडनी शेप में आ जाएगा, और किडनी शेप में आने की वजह से यहाँ पे एक अपर्चर खुलेगा, क्लियर है ना, यहाँ वाला अपर्चर क्या हो जाएगा, एक तरह से ओपन हो जाएगा, अरेंजमेंट में वाइडली ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट देखें, सिमिलरली द पोर क्लोजेस। पोर कब क्लोज करेगा, जब गार्ड सेल श्रिंक करेगा, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। और ये कब होगा, जब वाटर इससे एग्जिट करेगा, दैट इज एक्सोस्मोसिस होगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये आपने समझ लिया थोड़ा सा। अब देखेंगे हम कि यहाँ पे भी अब हमें एक एक्टिविटी प्रूफ करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लियर है ना। तो देखोगे आप इसे, तो देखोगे आप यहाँ पे हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी आपके इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस। इसको देखो कैसे प्रूफ करना है हमें, ध्यान से देखोगे, हमें इस वक्त दो पॉटेड प्लांट लेना है। कितने पॉटेड प्लांट लेना है, तो प्लांट नंबर वन और प्लांट नंबर टू, ठीक है, ये दो पॉटेड प्लांट लेना है हमें, ठीक है। अब देखो करना क्या है हमें, तो दोनों पॉटेड प्लांट को क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस करना है हमें। सबसे पहले तो सनलाइट में छोड़ देना है, क्लियर है, सॉरी डार्क रूम में छोड़ देना है 2 से 3 दिनों के लिए। अब डार्क रूम में छोड़ने की वजह से होगा क्या, तो ये सब चीज़ें आपको अब पता होना चाहिए, इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ। तो डार्क रूम में छोड़ देंगे दोनों को, अब फिर से क्या करेंगे, उसे डार्क रूम से बाहर लेके आएंगे। जब बाहर लेके आएंगे तो क्या कर देंगे ना, कि जैसे जो 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 सेटअप ए वन था, सेटअप वन में हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो ये हो गया हमारा एक पॉटेड प्लांट हो गया, एक मिनट, ये देखो इस तरीके से हमारा एक पॉटेड प्लांट हो गया, अरन समझ में, ये इस तरीके से एक पॉटेड प्लांट हो गया। अब देखो इसको क्या करेंगे ना, हम इस पॉटेड प्लांट के जस्ट साइड में हम एक वॉच ग्लास लेंगे, और इस वॉच ग्लास में ना हम KOH डाल देंगे यहाँ पे। अब ये KOH क्या होता है, तो KOH द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होगा, तो ये क्या करता है ना, ये तुम्हारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, इसका केमिकल नेचर होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले सेटअप में हम KOH नहीं लेंगे, अब क्या करेंगे ना, इसे नीचे एक ग्लास ग्लास रख देंगे, ग्लास स्लैब इस तरीके से दोनों में ही, और इसको ऊपर से किसी दूसरे ग्लास से, हम इस टाइप के ग्लास से इसको ढक देंगे। सेम काम हम सेकेंड वाले में भी करेंगे, बस वहाँ पर हम ये वॉच ग्लास नहीं रखेंगे जिसमें KOH नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे KOH प्रेजेंट है और यहाँ पे KOH प्रेजेंट नहीं है, सेकेंड नंबर में KOH नहीं है, यहाँ पे जो KOH है वो प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे प्रेजेंट है, बस यही अंतर है, और समझ में। और KOH किस लिए रखे हैं, ताकि KOH देखो पहले सेटअप में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले, यानी पहले सेटअप में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाए, जबकि दूसरे सेटअप में कमी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों ही प्लांट को हमने डीएस टच कर लिया था ऑलरेडी 2 से 3 दिन डार्क रूम में रखने पे। अब क्या करेंगे ना, इन दोनों ही सेटअप को रख देंगे हम सनलाइट में। अब सनलाइट में रखने के बाद फिर से ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और जब ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा तो इसे वापस ले आएंगे हम, क्लियर है। अब क्या करेंगे ना,
कि दोनों ही प्लांट से हम एक एक लीफ प्लक कर लेंगे और आगे का प्रोसेस फिर सेम है। आप सोच सकते हो पिछले प्रोसेस में जो हमने किया था, पिछले एक्टिविटी में उसे वाटर में डिप करना है, बॉईल करना है, उसे सॉफ्ट हो जाएगा, अल्कोहल में डालना है, क्लोरोफिल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन के साथ स्टार्च के प्रेजेंस को चेक कर लेना है। तो क्या लगता है आपको कौन से सेटअप में ब्लू ब्लैक कलर देगा और कौन से सेटअप में ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा? तो बिल्कुल सेटअप नंबर टू में ब्लू ब्लैक कलर आएगा और सेटअप नंबर वन में नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा इसका आंसर भी आपको पता होगा। इस सेटअप में देखो क्या क्या था, सनलाइट था, हाँ था, क्लोरोफिल भी था, इसके पास प्रेजेंट वाटर भी ऑलरेडी यहाँ हमने दे रखा है, क्लियर है, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, क्लियर है ना, तो यहाँ पे समझोगे। और कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे कमी हो गई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो कुछ भी था ना इस स्लैब के अंदर, इस चार के अंदर, उस कार्बन डाइऑक्साइड को इस KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन दूसरे सेटअप में ऐसा कुछ नहीं हुआ, दूसरे सेटअप में कार्बन डाइऑक्साइड भी था, क्लोरोफिल भी था, सनलाइट भी था, वाटर भी था, तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा ना इसमें, तो यहाँ पे ये ब्लू ब्लैक कलर देगा। तो इस एक्टिविटी से हमने ये प्रूफ किया कि कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, बाकी के जो दो रिक्वायरमेंट्स बच गए हैं कौन कौन से बच गए, एक वाटर बच गया और दूसरा सनलाइट बच गया, क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हमारा सनलाइट वाटर बच गया, क्लियर है। तो इन दोनों को हम अगले सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे, क्लियर है ना। तो तब तक के लिए बाय। और हाँ एक चीज़, अगर आप चाहते हो कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके लिए आपको बस क्या करना है, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, क्लियर है ना। तो तब तक के लिए बाय, और कल हम पढ़ेंगे ये दोनों रिक्वायरमेंट्स को, और उसके साथ साथ ही ना कल हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस को भी देखेंगे, यानी लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन सब कुछ देखेंगे। तो कल का क्लास और भी इम्पोर्टेंट होगा, नेक्स्ट क्लास जो भी होगा। तो तब तक के लिए